हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 9.4। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाइनोमियल बाय ए बाइनोमियल यानी कि टू टर्म्स वाली एक्सप्रेशन की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू टर्म वाली ही एक्सप्रेशन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाइनोमियल बाय ए बाइनोमियल, क्लियर है? सो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लेती हूँ 3x-4y। फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो टू टर्म्स वाली है, और ऐसे वाली जो टर्म्स हो टू टर्म्स से मिलकर जो एक्सप्रेशन बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। क्लियर है? सो एंड 4x+7y। इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का बहुत अच्छे से यूज़ किया है, सो आपके लिए यहाँ ईजी रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 3x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम सेकेंड एक्सप्रेशन यानी कि 4x+7y के साथ, एंड अब -4y की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 4x+7y के साथ। क्लियर है? तो कीजिए 3x into 4x+3x into 7y। क्लियर है? अब देखिएगा -4y into 4x -4y into 7y। क्लियर है? यहाँ मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया है? ठीक है, यहाँ देखिएगा कि ब्रैकेट से बाहर जो है वो माइनस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, कोफिशिएंट के साथ जो है वो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाना है, और प्लस है तो माइनस हो जाना है। तो देखिए यहाँ जो साइन था वो कौन सा था? प्लस का था, तो इस माइनस के साइन की वजह से यहाँ साइन कौन सा हो गया? माइनस का हो गया है। सेम एज यहाँ पर सो मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 को, जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास आया है 12। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है? एक्स स्क्वेयर सेम एज प्लस 3 7 जा 21 एक्स वाई माइनस 4 4 जा 16 एक्स वाई माइनस 4 7 जा 28 वाई स्क्वेयर। क्लियर है? अब हमें यहाँ देखना है कि जो लाइक टर्म है हमें उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 21xy एंड -6xy जो है वो लाइक टर्म है। क्लियर है? सो देखिएगा 12x² यहाँ देखिएगा प्लस के साइन के साथ यहाँ पे 21xy दिया हुआ है, और माइनस का 16xy है, लाइक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाना है, और जो टर्म जो है वो हाईएस्ट वैल्यू के साथ रहेगी, हाईएस्ट कोफिशिएंट के साथ रहेगी, उसका साइन हमें जो है वो यहाँ पर यूज करना है। तो प्लस 5xy-28y² क्लियर है? अब देखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाइनोमियल बाय ए ट्रिनोमियल्स। क्लियर है? देखिएगा कि अब हमें देखना है कि हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बाइनोमियल बाय ए ट्रिनोमियल। टू टर्म वाली एक्सप्रेशन की हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है अब 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन के साथ। क्लियर है? तो देखिएगा लेट अस मल्टीप्लाई 3a-7b एंड 2a-6b
प्लस सी। तो इसमें देखिएगा हम क्या करेंगे, सेम एज जो हमने फर्स्ट में किया है वही यहाँ पर करना है। चैप्टर फर्स्ट में आपने अप्लाई किया हुआ है कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ला, क्लियर है। तो देखिएगा कि 3a माइनस 7y मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस 6b प्लस सी। अब हमें क्या करना है कि 3a को हमें मल्टीप्लाई करना है कंप्लीट सेकंड वाली एक्सप्रेशन के साथ, यानी कि 2a माइनस 6b प्लस सी। आप देखिएगा कि माइनस 7b की हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है सेकंड वाली कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ, क्लियर है। सो कीजिएगा मल्टीप्लाई 3a इंटू 2a प्लस 3a इंटू माइनस 6b, क्लियर है। पहले हमने 3a की 2a के साथ मल्टीप्लीकेशन की है, अब 3a की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 6b के साथ, एंड 3a की मल्टीप्लाई करनी है हमें c के साथ, क्लियर है। सो प्लस का साइन 3a इंटू सी। अब हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है माइनस 7b की 2a के साथ, एंड माइनस 7b मल्टीप्लाई बाय माइनस 6b। अब देखिएगा प्लस माइनस 7b मल्टीप्लाई बाय सी, क्लियर है। मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 2 6 ए स्क्वायर माइनस 3 6 18 ए बी प्लस 3ac। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 2 14 इनकी माइनस 14 ए बी माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाना है मल्टीप्लाई करते हुए, तो 7 6 42 यानी कि प्लस का 42 आना है, 42 बी स्क्वायर माइनस 7bc। अब हमें क्या करना है कि लाइक टर्म को एक तरफ यानी कि एक साइड लेकर चलना है। तो देखिएगा 6a स्क्वायर, आप देखिएगा ab माइनस 18ab एंड माइनस 14ab, देन रिजल्ट इज माइनस 32ab। माइनस माइनस प्लस हो जाना है, बट साइन जो रहेगा वो हाईएस्ट कोफिशियंट का रहेगा, क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्लस 3ac, अनलाइक टर्म को अब लेकर चलना है, ठीक है। प्लस 42b स्क्वायर माइनस 7bc, क्लियर है। हमें इस एक्ट को कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल के साथ, एंड सेकेंडली हमें मल्टीप्लाई करना है एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन के साथ। सो लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 1, 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 4x माइनस 3, यानी कि हमें इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। देखने से ही हमें पता चल रहा है कि हर एक एक्सप्रेशन के साथ जो में जो है वो टू टर्म्स दी हुई हैं, यानी कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एक बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ, क्लियर है। सो कीजिएगा 2x इंटू 4x माइनस 3 प्लस 5 4x माइनस 3 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लियर है। यहां देखिएगा 2x को जब हम 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज 8x स्क्वायर, क्लियर है। 2x को अब हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 के साथ, 2 3 6, माइनस का साइन आएगा यानी कि माइनस में 6x, क्लियर है। अब देखिएगा 5 4 20 20x माइनस 5 3 15, माइनस का साइन। देखिए फिर भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस स्टेप को यहाँ से कुछ ऐसे समझिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ,
फोर एक्स के साथ, क्लियर है? देन वी मल्टीप्लाई टू एक्स इंटू माइनस थ्री, क्लियर है? नेक्स्ट फाइव इंटू फोर एक्स प्लस फाइव इंटू माइनस थ्री, क्लियर है? अगर आपको ये स्टेप यहां से क्लियर नहीं हो तो आप यहां देखिएगा, यहां से नोट कीजिए जरा, ठीक है? अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो लाइक टर्म के लिए रहेगा, कि अब हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर लाइक टर्म है हमें उन्हें सोल्व करना है, जिनके माइनस सिक्स एक्स, सिक्स एक्स एंड ट्वेंटी एक्स जो है वो लाइक टर्म है, क्योंकि सेम वेरिएबल और सेम एक्सपोनेंट का यूज यहाँ पर हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाना है, और साइन जो रहेगा वो हाइएस्ट कोफिशियंट का रहेगा, हाइएस्ट कोफिशियंट हमारा यहाँ पर 20 है और उसका साइन जो है वो प्लस का साइन है, सो 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15, क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, a प्लस 3b एंड x प्लस 5 सेम एज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखिएगा कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल a को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 के साथ, एंड नेक्स्ट 3b को मल्टीप्लाई करना है हमें x प्लस 5 के साथ। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कि a मल्टीप्लाई बाय x प्लस a इज मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3b is multiplied by x plus 3b is also multiplied by 5, क्लियर है? सो a को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax plus 5a plus 3bx plus 35 is 15b. सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर 5. 3 by 4 a square plus 3b square and 4 a square minus 2 by 3 b square, क्लियर है? यहाँ भी हमें क्या करना है कि बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है हमें बाइनोमियल के साथ, लेकिन सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि उसको जो है वो सिंपल वे में कर लेंगे, ठीक है? तो 4 की जब हम कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो रिजल्ट इज 4 ए स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 बाई 3 बी स्क्वायर, यानी कि अब हमें 3 बाई 4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 4 ए स्क्वायर माइनस 8 बाई 3 बी स्क्वायर के साथ, क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर 3 बाई 4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है 4 ए स्क्वायर माइनस 8 बाई 3 बी स्क्वायर के साथ, क्लियर है? तो देखिएगा कि सबसे पहले मैं 3 बाई 4 ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगी 4 ए स्क्वायर माइनस 8 बाई 3 बी स्क्वायर के साथ। अब मैं 3 बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ 4 ए स्क्वायर माइनस 8 बाई 3 बी स्क्वायर के साथ। सो रफ साइड में आप इसको सोल्व करके देखिए कि 3 बाई 4 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 ए रेज टू पावर 4 माइनस, अब देखिएगा 3 बाई 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें 8 बाई 3 से, 3 बाई 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें 8 बाई 3 से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 4 टू जा 8, यानी कि माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा 3 बी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें 4 ए स्क्वायर के साथ, इनकी 3 4 जा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड अब देखिएगा कि हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ 8 बाय 3 के साथ, 3 से 3 कैंसिल हो जाना है सो रिजल्ट इज माइनस 8 बी रेज टू पावर 4।
अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि हमें क्या करना है कि जो लाइक टर्म्स हैं, जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको हमें सोल्व करना है। तो देखने से हमें पता चल रहा है कि ये जो है हमारी वो लाइक टर्म है, इनकी 3a^4 माइनस प्लस हमेशा माइनस होना है, लेकिन जो हाईएस्ट कोफिशिएंट वैल्यू रहेगी हमें उसका साइन यूज़ करना है। तो जो हाईएस्ट कोफिशिएंट वैल्यू है वो 12 है, उसमें साइन जो है वो प्लस का साइन है। सो प्लस 10a^2b^2 माइनस 8b^4। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। यहाँ भी हमें क्या करना है कि बाय एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है सेकंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 1। 5 - 2x एंड 3 + x सेम, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है, हम यहां भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो 5 is multiplied by 3 + x, नेक्स्ट इज 2x is multiplied by 3 + x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, 5 * 3 + 5 * x + -2x * 3 + -2x * x। ये देखिएगा इस तरह से क्लियर है। अब क्या करना है कि मुझे इसे सोल्व करना है, 5 * 3 = 15 प्लस 5 के x के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज 5x - 2x * 3, यानी कि 2 * 3 = 6 -6x एंड -2x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज -2x². अब हमें क्या करना है कि लाइक टर्म को सोल्व करना है, क्या करना है और लाइक टर्म को सोल्व करना है। तो 15 प्लस माइनस माइनस होना है, बट साइन जो हाईएस्ट कोफिशिएंट वैल्यू रहेगी हमें उसका यूज करना है। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट वैल्यू जो है वो 6 है, यानी कि -x - 2x². अब हमें इन्हें एक अच्छे मैनर में लिखना है, इस वाले एक्सप्रेशन को हमें मैनर में लिखते हुए क्या करना है कि -2x², क्योंकि यहाँ पे जो x वेरिएबल का यूज हुआ है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर, ठीक है, फिर उससे हाईएस्ट के बाद जो उसकी लोअर पावर जो होती है, तो x की जो लोअर पावर है वो क्या है, 1 है। सो -x + 15 क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा कि हमें किसी भी एक्सप्रेशन को जब एक मैनर में लिखना हो तो जो उस पॉलीनोमियल की या फिर उस एक्सप्रेशन की, ठीक है, चाहे वो ट्रिनोमियल हो या फिर वो बाइनोमियल हो, तो उसको एक मैनर में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की उस वाले टर्म को फर्स्ट टाइम लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है, फिर उसके बाद उससे छोटे उसके छोटे, और लास्ट में जो हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू का यूज करना होता है जो हमें विदाउट वेरिएबल दी होती है, इट्स कॉल्ड कॉन्स्टेंट वैल्यू, जो हमें विदाउट वेरिएबल दी हुई होती है, नॉन वेरिएबल वैल्यू। क्लियर है। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। a² + b and a + b² सो देखिएगा, सेम एज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a² को हमें मल्टीप्लाई करना है a + b² से, ठीक है, एंड b को अब हमें मल्टीप्लाई करना है a + b², यानी कि जो हमारी सेकेंड वाली एक्सप्रेशन दी हुई है। तो देखिएगा यहाँ पर कि a² * a + a² * b² +
ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी स्केयर। सो सोल्व कीजिए इसे, ए स्केयर को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है ऐड हो जानी, यानी कि ए क्यूब प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। क्लियर है? सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू एंड पार्ट नंबर फोर। देखिएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर एंड टू पी प्लस क्यू, सेम एज हमें यहाँ भी क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है। ठीक है, सो हमें पी स्केयर की मल्टीप्लाई करनी है टू पी प्लस क्यू के साथ एंड माइनस क्यू स्केयर की मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें टू पी प्लस क्यू के साथ। क्लियर है? तो पी स्केयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टू पी से एंड प्लस कोसाइन पी स्केयर मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस टू पी मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू इज मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू स्केयर। क्लियर है? पी स्केयर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू पी के साथ, यानी कि टू पी क्यू प्लस पी स्केयर क्यू, नेक्स्ट प्लस माइनस, माइनस का साइन आएगा मल्टीप्लाई करते हुए, जब हम प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं तो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस का साइन रहता है। सो माइनस टू पी क्यू स्केयर माइनस क्यू रेज टू पावर थ्री। सो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट नंबर वन, हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जहाँ तक इसका हो सके हमें ठीक वहाँ तक इसको सिंपल वे में सॉल्व करके चलना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पे टू बाइनोमियल जो हैं वो एक्सप्रेशन दी हुई हैं और उनका सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगी एक्स प्लस फाइव जो कि मेरी सेकेंड वाली एक्सप्रेशन है। नाउ माइनस फाइव इज मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस फाइव, प्लस में ट्वेंटी फाइव सेम एज रहेगा। क्लियर है? सो अब मुझे क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ एंड एक्स स्क्वायर को अब मल्टीप्लाई करना है मुझे फाइव के साथ। अब देखिएगा कि माइनस फाइव को अब मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ एंड माइनस और क्या करना है मुझे कि अब माइनस फाइव को अब मुझे मल्टीप्लाई करना है प्लस के फाइव के साथ। क्लियर है? अब देखिएगा साथ में 25 जो है वो सेम एज रहेगा। अब देखिएगा आगे कि एक्स स्क्वायर को अब मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, यानी कि देन रिजल्ट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 प्लस 25 प्लस माइनस सेम कॉन्स्टेंट वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर है? अब देखिएगा एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स। क्लियर है? सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट नंबर थर्ड। टी प्लस एस स्क्वायर एंड टी स्क्वेयर माइनस एस। देखिएगा कि यहाँ पर मुझे टू जो हैं वो बाइनोमियल जो हैं वो एक्सप्रेशन दे रखी हैं और अब मुझे क्या करना है कि उनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? अब मुझे उनको मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट निकालना है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, टी को मुझे मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वेयर माइनस एस के साथ एंड अब मुझे एस स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वेयर माइनस एस के साथ। क्लियर है? सो
टी मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वेयर प्लस टी इज मल्टीप्लाई बाय माइनस एस, क्लियर है, प्लस एस स्क्वेयर इज मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर इज मल्टीप्लाई बाय माइनस एस, क्लियर है। टी को जब मैं टी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो टी रेज टू पावर 3, क्योंकि बेस सेम है सो पावर जो है वो ऐड हो जानी है, माइनस टी एस प्लस टी स्क्वेयर एस स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जब हम एस स्क्वेयर को माइनस एस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट जो हमें क्या मिलेगा, माइनस एस क्यूब। तो देखिएगा यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसे नहीं है जो लाइक टर्म हो, सारी की सारी जो टर्म है वो अनलाइक टर्म है, सो रिजल्ट इज टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर एस स्क्वेयर माइनस टी एस माइनस एस क्यूब। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। x plus y is multiplied by x square minus xy plus y square। देखने से ही हमें पता चल रहा है कि हमें एक binomial expression की जो multiplication करनी है वो एक trinomial expression के साथ करनी है। So सबसे पहले हम क्या करेंगे, distributive जो law है वो apply करेंगे, यानी कि x की हमें multiply करनी है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के साथ, एंड प्लस वाई की अब मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी है किसके साथ, सेकेंड एक्सप्रेशन यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के साथ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ठीक है, क्लियर है। यानी कि अब मुझे एक्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वेयर के साथ प्लस एक्स इज मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इज मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर प्लस वाई इज मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर। सो एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर से देन रिजल्ट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। देखिएगा अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो लाइक टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूँ अगर एक्स क्यूब वो सिंगल टाइम है यानी कि वह जो है वो एक अनलाइक टर्म है। अब देखिएगा एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई एंड वाई एक्स स्क्वेयर, बट साइन जो है एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस है, सो कैंसिल हो जाने हैं, क्लियर है। अब देखिएगा एक्स वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई स्क्वेयर साइन चेंज लाइक टर्म, सो दिस इज कैंसिल आउट, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म इज y क्यूब, यह भी अनलाइक टर्म है, सो x क्यूब प्लस y क्यूब, क्लियर है। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 7। 1.5x माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। इसे भी मुझे अब क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, मुझे देखने से पता चल रहा है कि फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो बाइनोमियल है एंड सेकंड वाली जो है वो ट्रिनोमियल है, क्लियर है। सो 1.5x की मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ एंड माइनस 4y इज मल्टीप्लाई बाई 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ, बाकी मैटर जो रहेगा वो सेम एज हम नोट करेंगे प्लस 12y,
क्लियर है? अब देखिएगा कि 1.5x इंटू 1.5x, क्लियर है, एंड प्लस 1.5x इंटू 4y प्लस 1.5x इज मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिएगा कि प्लस माइनस 4y इज मल्टीप्लाई बाई 1.5x प्लस माइनस 4y इज मल्टीप्लाई बाय 4y प्लस माइनस 4y इज मल्टीप्लाई बाय, क्या करना है, माइनस 4y की अब मुझे मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है भाई, 3 के साथ। बाकी जो मैटर है ये वाला, ये हम सेम एज नोट करेंगे, इनके माइनस 4.5x प्लस 12y। सो 1.5 के जब हम 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज 225। और डेसिमल हमें कहाँ यूज करना है, 1212 यानी कि 2.25x स्क्वायर, ठीक है। 1.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज 6.0। पॉइंट के बाद जीरो लगाओ या फिर नहीं लगाओ, कोई वैल्यू नहीं है जीरो की। सो रिजल्ट इज प्लस 6xy, क्लियर है। 1.5x को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी देन रिजल्ट इज 4.5x। अब देखिएगा यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि माइनस 4y की मल्टीप्लाई करने को मल्टीप्लाई करना है मुझे 1.5 से, यानी कि रिजल्ट इज माइनस 6xy, क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा कि माइनस 4y को मुझे मल्टीप्लाई करना है 4y के साथ, 4 4 जा 16, यानी कि माइनस 16y स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12y माइनस 4.5x प्लस 12y। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी लाइक टर्म है हमें उसे सोल्व करना है। लाइक टर्म हमारी जो भी होंगी उसको सोल्व करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है कि 2.25x स्क्वायर यानी कि जो एक्सपोनेंट की पावर है, यहाँ पे x वेरिएबल की जो पावर वो 2 है, उसके जैसे और कोई भी यहाँ पर लाइक टर्म नहीं है, यानी कि 2.25x स्क्वायर जो है वो अनलाइक टर्म है। नेक्स्ट देखिएगा 6xy एंड माइनस 6y जिसमें एक टर्म के साथ पॉजिटिव साइन और सेकंड वाली टर्म के साथ जो है वो नेगेटिव साइन है, इनके अपोजिट साइन लाइक टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। सेम एज 4.5x एंड माइनस 4.5x आल्सो कैंसिल, ठीक है। माइनस 12y एंड प्लस 12y इट इज आल्सो कैंसिल, क्योंकि ये लाइक टर्म है और इनके साइन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अनलाइक टर्म है वो है हमारे पास माइनस में 16y स्क्वायर, क्लियर है। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 8। ए प्लस बी प्लस सी इज मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस सी। देखिएगा अब यहाँ पर हम मुझे 2 एक्सप्रेशन दी हुई हैं, जो देखने से मुझे पता चल रहा है कि फर्स्ट वाली जो है वो ट्रिनोमियल है एंड सेकंड वाली भी क्या है मेरे पास ट्रिनोमियल है, यानी कि मुझे दोनों ही ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन का जो है वो प्रोडक्ट इनकी उनको मल्टीप्लाई करके उसको फिर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो देखिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस सी। अब इसमें देखिएगा मुझे क्या करना है कि ए को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी माइनस सी के साथ एंड बी को भी मल्टीप्लाई करना है सेकंड एक्सप्रेशन यानी कि ए प्लस बी माइनस सी के साथ एंड सी को मल्टीप्लाई करना है मुझे ए प्लस बी माइनस सी के साथ, क्लियर है। तो देखिएगा ए इज मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए इज मल्टीप्लाई बाय बी यानी कि ए बी, ए इज मल्टीप्लाई बाय माइनस सी यानी कि माइनस ए सी। यहाँ देखिएगा सेम एज ए बी, बी इज मल्टीप्लाई बाय बी देन रिजल्ट इज बी स्क्वायर, बी इज मल्टीप्लाई बाय माइनस सी यानी कि माइनस बी सी प्लस सी इज मल्टीप्लाई बाय ए देन रिजल्ट इज ए सी एंड सी इज मल्टीप्लाई बाय बी यानी कि देन रिजल्ट इज बी सी।
एंड सी इज मल्टीप्लाई बाय माइनस सी, देन रिजल्ट इज माइनस सी स्क्वायर। अब हमें देखना है कि जो हाईएस्ट पावर के साथ जो टर्म दी हुई है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलना है, इनकी ये देखना है कि वो लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। देखने से हमें पता चल रहा है कि ए स्क्वायर अनलाइक टर्म है, बी स्क्वायर भी अनलाइक टर्म है एंड माइनस सी स्क्वायर भी जो है वो अनलाइक टर्म है। अब हमें देखना है कि ए बी, ए बी ए बी एंड ए बी यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ ए बी है, यानी कि प्लस में टू ए बी। ए सी एंड ए सी लाइक टर्म, अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि माइनस बी सी एंड प्लस बी सी लाइक टर्म बट अपोजिट साइन, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सो रिजल्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर है? इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। सो